विवेक ओबेरॉय इज द न्यू अक्षय कुमार। विवेक अक्षय की तरह कोई एक्शन सीन्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो अक्की की तरह अपनी ही फिल्मों के एडिटर बन गए हैं। बट फॉर अ गुड रीजन। विवेक अपनी फिल्मों से हटा रहे हैं स्मोकिंग सीन्स, वो भी एक नहीं बल्कि दो दो फिल्मों से। एंटी टोबैको कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर विवेक ओबेरॉय ने फिल्म जिला गाजियाबाद में खुद डलवाया एक एंटी स्मोकिंग सीन। और तो और, कुमार तौरानी की फिल्म में गैंगस्टर होने के बावजूद नहीं मारा सुट्टा। ये जो हम फिल्म कर रहे हैं टिप की, अब इसमें भी एक गैंगस्टर है, लेकिन लवेबल गैंगस्टर है। तो मैंने अपने डायरेक्टर से बात की, मैंने उनसे पूछा कि इज इट पॉसिबल कि अगर हम इस पिक्चर में स्मोक नहीं करें। आई वुड अप्रिशिएट दैट। और उन्होंने बोला, ऑफ कोर्स सर, आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड दिस कैरेक्टर टू स्मोक। सो जयंता डज नॉट स्मोक, ही इज अ गैंगस्टर बट ही डज नॉट स्मोक। तो हम ऐसे कोशिश में करते रहता हूँ। जैसे जिला गाजियाबाद में भी मैंने कोशिश की, पहले ओरिजिनल था कि भाई स्मोक वो करता है, मैंने कहा यार नहीं करते हैं, उल्टा एक सीन डलवाया विच इज एन एंटी स्मोकिंग सीन। विवेक ने ये बात एक्सक्लूसिवली हमें तब बताई जब जूम ने इन्वेस्टिगेशन कर विवेक से जाना उस खबर का सच, जिसके मुताबिक एंटी टोबैको कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर पर लग गया है टोबैको कंज्यूम करने का इल्जाम। रिपोर्टेडली ये इल्जाम विवेक पर लगा है। दरअसल पुलिस ने कल रात मुंबई के एक 5-स्टार होटल में रेड की, जहां होटल प्रेमिसेस के एक रेस्टोरेंट में 23 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। बड़ी बात तो ये है कि इन 23 लोगों में विवेक ओबेरॉय भी शामिल थे। ना मैं कोई हुक्का पी रहा था, ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं स्मोक करता हूँ। एंड मेरा बिल मेरे पास है चेक करने के लिए, यू कैन चेक द बिल। खाना पीना खा रहे थे हम लोग, कुछ नहीं। मैं उठा, वहाँ के जितने पुलिस वाले आए थे सब फैंस थे, उन्होंने मुझसे सिग्नेचर्स लिए, ऑटोग्राफ्स लिए। उन्होंने मुझे पूछा, साहब यहाँ पे कुछ इस तरह की एक्टिविटी चल रही है हुक्का वुक्का की? तो मैंने कहा, सर मैं तो एंटी टबैको एम्बेसडर हूँ, स्मोक तो करता नहीं, ना ही मेरे दोस्त करते हैं। उस टेबल पे कोई नहीं स्मोक कर रहा था। और मैंने कहा, आप बिल देख लीजिए। उन्होंने बिल चेक किया, देखा कि ओनली फूड एंड यू नो सॉफ्ट ड्रिंक्स थे। तो उन्होंने बोला, प्लीज सर, वे आर वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आप घर जाइए। विवेक होटल के अथॉरिटीज ने माफीनामा भी भेजा है। वैसे आपको बता दें कि रिसेंटली विवेक ने कुमार तौरानी की फिल्म के सेट पर स्मोकिंग कर रहे एक शख्स को वहां से जाने के लिए कह दिया था। इतना ही नहीं, एंटी टोबैको डे हो या फिर कोई और ओकेजन, विवेक ने हमेशा टोबैको के खिलाफ अपना कैंपेन जारी रखा है। जिस कॉज में मतलब 10-11 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, PPWA के साथ में वी हैव अचीव्ड द टारगेट ऑफ ओवर 2 लाख पेशेंट्स दैट वी हैव हेल्प फॉर सब्सिडाइजिंग देयर यू नो कीमोथेरेपीज एंड कैंसर ट्रीटमेंट। सो एक्टिवली आई एम इन्वॉल्व। मेरे जितने वॉलंटियर्स हैं वो सब डिसअपॉइंट हो जाएंगे। जूम के तहत अपनी बात रखने पर विवेक ने खुशी भी जताई। थैंक यू सो मच कुणाल, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे फोन किया और मेरी आवाज वहां रखने की एक मौका मुझे दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है। आई अप्रिशिएट यू एंड आई अप्रिशिएट जूम फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई।